क्या आप अपने बैंक में जमा पैसों से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं? किस तरीके से? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो उसका तरीका क्या है? हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट में जमा किए गए पैसों से ज़्यादा पैसा किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपका भी खाता SBI में है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अब आपको अचानक आई इमरजेंसी में अगर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SBI बैंक खाते में बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकालने की सुविधा देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बैंक ग्राहकों को खाते में बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकालने की सुविधा देता है। बैंक ये सुविधा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पर देता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जरिए आप किस तरह से अपने जमा किए गए पैसों से ज़्यादा पैसे निकालने की सुविधा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है। इसके चलते कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा पैसे को एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना भी होता है और इस पर ब्याज भी लगाया जाता है। ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दे सकती है। अगर हम बात करें कि आपको मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या रहेगी तो ये बैंक के NBFC तय करती है। चलिए जानते हैं कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैंक अपने कुछ ग्राहकों को प्री अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, वहीं कुछ कस्टमर को इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए लिखित में या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अप्लाई किया जा सकता है, जबकि कुछ बैंक इस सुविधा के लिए प्रोसेसिंग फीस भी वसूलते हैं। ओवरड्राफ्ट दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वो होता है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कब हासिल कर सकते हैं, आप FD, शेयर, घर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड्स आदि जैसी चीज़ों पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। या यूं कह लीजिए, इसे आसान भाषा में FD या फिर शेयर पर लोन लेना भी होता है। ऐसा करने पर ये चीज़ें एक तरह से बैंक या फिर NBFC के पास गिरवी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड से विड्रॉवल। तो चलिए अब फटाफट जान लेते हैं इसके फायदों के बारे में। आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि जब आप लोन लेते हैं तो उसे चुकाने के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर कोई लोन को उस अवधि से पहले चुका दे तो उसे प्री पेमेंट चार्ज देना होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं होता। वहीं आप तय अवधि में पहले भी बिना कोई चार्ज दिए पैसे चुका सकते हैं। इसके साथ इस पर ब्याज भी केवल उतने ही समय के लिए देना होता है जितने समय के लिए आपने ओवरड्राफ्ट अमाउंट आपके पास था। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि EMI में पैसे चुकाने की भी बाध्यता नहीं होती। आप तय अवधि के अंदर कभी भी पैसा चुका सकते हैं, यही कारण है कि ये लोन ज़्यादा सस्ता और आसान होता है। अगर आप ओवरड्राफ्ट अमाउंट नहीं चुका पाते तो आपके द्वारा गिरवी रखी गई चीज़ों की भरपाई कर ली जाती है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट अमाउंट गिरवी रखी गई चीज़ों की वैल्यू से ज़्यादा है तो बाकी के पैसे आपको चुका नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके काम भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।